लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। 70 साल की इस वृद्धा का साहस देख आप भी रह जाएंगे दंग। 70 साल की वृद्धा का हौसला, 1109 किमी तक साइकिल चलाकर पहुंचेगी पोखरण बुरहानपुर। महाराष्ट्र के खामगांव निवासी रेखा देव भांकर, जिनकी उम्र 70 साल की है, लेकिन इनके हौसले बुलंद है। यह अंदाजा उनकी 1109 किमी की साइकिल यात्रा को देखकर लगाया जा सकता है, जो राजस्थान की पोखरण की यात्रा पर साइकिल से निकली है। हर दिन 40 किमी साइकिल चल रही रेखा मंगलवार को बुरहानपुर पहुंची। रात होने पर विश्राम के लिए रुक गई। सिंधी बस्ती में लालबाग रोड पर एक कॉम्प्लेक्स में लोगों से मिली। लोगों ने रेखा बाई से आशीर्वाद लिया। रेखा बाई गंगानगर में अश्विन महाजन के निवास पर ठहरी है। रेखा देव भांकर ने कहा, पोखरण में रामदेव बाबा के दर्शन करूंगी, यहाँ के लोगों से मिलूंगी, संस्कृति जानूंगी और अपनी संस्कृति से अवगत कराऊंगी। इससे पहले पुष्कर, अजमेर, वैष्णो देवी की यात्रा कर चुकी हूँ। पूरे भारत की यात्रा करना है। आगे कन्याकुमारी से लेह तक यात्रा करूंगी। पिछले 4 साल से यात्राएं चल रही है। परिवार और समाज का पूरा सहयोग मिल रहा है। भूख लगने पर किसी के घर रुक कर भोजन करती हूँ। शिक्षा अधिकारी रही रेखा बाई। रेखा देव भांकर ने इंग्लिश में MA और BEd किया है। एक स्कूल में प्रिंसिपल रह चुकी है। इसके बाद शिक्षा अधिकारी बनी। पति जयंत रेलवे में जबलपुर में थे। बेटा योगेश कॉन्ट्रैक्टर है। अपनी नौकरी, बच्चे की जिम्मेदारी पूरी करने के बाद धर्म की राह पर चल पड़ी। रेखा बाई कहती है, यात्रा का उद्देश्य है दूसरे राज्यों के लोगों से मिलकर उनके बारे में जानना, वहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों को समझाना है। वृद्धा का जगह जगह स्वागत। 70 साल की इस वृद्धा का साहस देख हर कोई दंग है। जब लोगों को यह पता चल रहा है कि यह वृद्धा रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी रही है, तो किसे भी यकीन नहीं होता। उसकी यात्रा के बारे में सुनने के बाद जगह जगह उसका स्वागत चल रहा है। बड़ी दिलेरी के साथ यह वृद्धा साइकिल यात्रा पर निकली है।